Yo, what's up, everybody? It's your gamer boy here. Welcome back to the new episode. Okay. Yes, we are back with our Minecraft, जो कि है मेरा favorite series solo survival world. And तुम्हें पता है आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. और रुको 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 अभी मत जाना क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारा solo survival series बहुत ज़्यादा special होता है. And yeah, fan of the week room. तो उसको तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो. नहीं जानते हो तुम लोग न्यू आए हो तो अभी देख लोगे उसको. So guys, आप लोगों को वापस से स्वागत है एक मेरे अच्छे से बंगलो में और मेरे अच्छे से वर्ल्ड में. तो गाइज आज वाले वीडियो में यहाँ पे बहुत लोगों का कत्ल भी होने वाला है. बहुत लोग हमेशा के लिए हमारे वर्ल्ड से जाने वाले हैं. यू नो बहुत सैड मोमेंट होगा बट आज बहुत एपिक चीज होने वाली है. और तुम लोगों को इस वर्ल्ड का एक राज नहीं पता है जो कि बहुत बड़ा राज है जो कि बीस्ट बॉय शुभ से जुड़ा हुआ है. वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा. चलो सबसे पहले शुरू करते हैं. अब देखो ये जो है मेरा है फिशिंग वाला जगह जो कि ये अब अगर तुम लोगों को मैं दिखाऊं तो जस्ट लाइक हमारा ये वाला तो ये तो बहुत क्यूट है. इसको हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे. इधर अगर हम लोग आते हैं तो ये जो जगह है हमारा ये लिटरली टोटली फालतू में पड़ा है. एंड यू नो व्हाट आई लिटरली हेट इट. ये फालतू में जगह खा रहा है और बहुत गंदा भी लगता है तुम्हें पता ही है. तो मैं अभी इसको क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि यू नो बहुत गंदा लगता है. और लास्ट एपिसोड में आप लोगों को पता ही होगा हमारा ये पूरा परिवार बकरी का बढ़ाने वाला शीपलू हैज गोन फॉर एवर. यार उसकी याद बहुत आएगी लेकिन उसके याद में जब वो चला गया तो उसके बाद जो मैं आज करने वाला हूँ वो आप लोगों को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा. बट यस वी आर गोइंग टू डू दिस. तो आज वाली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से. अब नाउ लेट मी गेट माय एक्स एंड पिकेक्स तो है ही मेरे पास. ओके और सॉवेल भी अगर कहीं जरूरत पड़ी तो. एंड अब हम लोगों का जो फालतू चेस्ट है एक मिनट फालतू में बैरल बाहर रखे हैं. इधर भी है. ओके तो इन सभी जगह पे हम लोग अपने जितने भी फालतू चीजें सबसे पहले मैं इसको खाली कर देता हूँ. ड्रैगन स्प्रे फालतू नहीं है बट अभी रख देते हैं. ओके आई एम प्रिपेयर्ड. अभी मैं खाली हो चुका हूँ और खाने वाली चीज तो रखी है और वो मुझे खाना भी पड़ेगा. तो तीन चीज में से हम लोग अभी सबसे पहला वाला जो मेन काम करने वाले ये फालतू सी चीज जो कि बहुत ही भद्दी है और इसका कोई काम भी नहीं है. यू नो We are going to destroy this. पता नहीं बहुत बेकार लगती है तो हम लोग अब इसको destroy करने वाले. Let's start our work. Meanwhile, इस जगह का बादशाह हूँ मैं. ये ओए 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 आराम से ठीक है बादशाह हूँ मैं. ठीक है काट दो सारा चीज काट दो तोड़ दो फेंक दो. यहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलेगा और राजा का आदेश है इन सबको अभी काट के फेंक देना है. कैसे कर रहा हूँ इतनी. और तुम्हें पता है राजा को याद आ चुका है कि हम लोग इसमें हेडफोन भी पहन सकते हैं. तो यस राजा ने हेडफोन पहन लिया है. Meanwhile, अभी तो मतलब राजा वाला फील पता है. मैं उसके पास गया ना मेरे को लगा मेरे को वो चार लोग याद आ गए वो जो उठा कर ले जाते हैं. मेरे को एकदम वो वाला मेम याद आया अपने ऊपर लेके. इधर वे थैंक्स टू माय ऑल आर्मर कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल था वरना भाई आज मेरा सारा सामान गया था और क्या पता उधर और बड़ा गड्ढा वड्ढा होता मैं कहां ढूंढता फिरता सबको. मीनवाइल दिल वाले पूछे दे नी जान. ओ ओके सिसाओ की तो बारी खत्म. अब तुम लोगों की बारी. चलो बाय 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 बाय. आखिर मतलब मैंने जब स्टार्ट करा था उसके हाल फिलहाल में इतने सारी चीजें इधर लगाई थी बट फाइनली हम लोग इन सबको तोड़ के क्लीन कर रहे हैं अपने जगह को. यू नो मैंने भर दिया था बिना फालतू में भरा हुआ है ये सब की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे सच बताऊं तो. एक बार एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसके वजह से हम लोग सब कुछ खो दिए थे. अब आप लोग एकदम ओल्ड व्यूअर हो मेरा अगर 7-8 months से पता है मेरे पिछले चैनल पे तब आप लोग जानते होंगे इसके बारे में क्योंकि ये बहुत पुरानी बात. ओके आई एम फिल्ड अप गाइस. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मेरे जितने भी बेड हैं ये नेदर में चला जाएगा. यस चला जाएगा. मैं अभी सारे के सारे बेड को फिर नेदर में फेंकने वाला हूँ क्योंकि यू नो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनकी. बाय 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 जाओ तुम नेदर में. ये तुम्हारी सजा है. ये राजा का हुक्म है मतलब मैं यहाँ का बादशाह हूँ तुम्हें तो पता ही है. तो ये मेरा हुक्म है कि तुम लोग जाओ और नेदर में रहो. ओके अलविदा. जय हिंद दोस्तों. 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 और मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे ये जो लूम वूम है ये भी मेरे काम के नहीं है तो इनके साथ भी मैं जय हिंद दोस्तों करने वाला हूँ. यू नो इन सबको भी नेदर में भेज रहा हूँ मैं. मेरे पास एक्चुअली लावा नहीं है तो इन लोगों को मुझे नेदर में फेंकना पड़ रहा है. ओके वी डिड इट फाइनली. नाउ व्हाट नेक्स्ट. अब मैं तुम्हें इसकी मेरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी वाली राज के बारे में बताने वाला हूँ. तो क्या तुम लोग तैयार हो. लाइक भी कर दो यार. ओके गाइस तो यहाँ पे आज मैं तुम लोगों को इसके सीक्रेट बताने वाला हूँ. तो गाइस सीक्रेट ये है कि मैं ऊपर चल के बताऊंगा इधर. अबे साले. ओके सो नाउ लेट मी रिवील इट टू यू. तो गाइस एक्चुअली इसका रियल वर्ल्ड
का क्रिएशन कैसे हुआ था। तो गाइस ये बात है बहुत पहले की, जब बीस्ट बॉय शुभ हमारे खेलना शुरू कर रहे थे माइनक्राफ्ट, और उस टाइम उन लोगों ने स्टार्टिंग में करा था, तो उनका एक बार विंडो करप्ट कर गया था, उनका पहला वर्ल्ड हो गया था डिलीट। तो उस टाइम में मैं मतलब वीडियो नहीं बना रहा था उस टाइम, बट मैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट को स्टार्ट कर रहा था, 2-3 हफ्ते से खेल रहा था, एंड आई थॉट दैट कि मेरे ख्याल से उनका वर्ल्ड डिलीट हुआ तो मेरे को भी एक सैक्रिफाइस करना चाहिए, जो कि था इस वर्ल्ड का, मतलब मेरा इसके पहले वाला वर्ल्ड था, उसका नाम था पता नहीं मुझे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इस वर्ल्ड को, उस वर्ल्ड को मैंने डिलीट करा और बनाया एक और न्यू वर्ल्ड, जिसका नाम करा Sacrifice for Beast Boy Shub. Yup, this is the real thing. ये एक sacrificed world है, जो कि Beast Boy Shub के लिए मैंने sacrifice करके बनाया था। अगर मैं तुम लोगों को इसका नाम अभी भी दिखाऊं, तो अभी भी ये Beast Boy Shub sacrifice वाला नेम ही है इसका। So let me show it to you. इधर बहुत सारे world है, but इन सब को ignore करो, ये पहले के एंड, इसमें कुछ कुछ गलत सीन है, मैंने कॉपी करके पेस्ट करा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर में, ये अभी मेन है जिसको मैं खेल रहा हूँ स्टार्टिंग से। So yeah, this is the sacrifice for Beast Boy Shub, जो कि तुम लोग अगर मेरे को पहले चैनल के बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें जरूर बताओ पहले से ही। One eternity later. I know it's really shocking for जिसको इसके बारे में नहीं पता, but yes, यही है reality इस वर्ल्ड की। तो अभी हम लोगों को इधर डुबकी मारने दो, एंड हम लोगों ने इतना कुछ करा। तो गाइस आज मैंने कहा था किन्हीं किन्हीं लोगों की मृत्यु होगी हमारे वर्ल्ड में, और मैंने आपको हिंट भी दिया था। तो आई मीन टू से कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इसके परिवार यानी कि शीप लोगों मार दिया था, तो मैंने डिसाइड करा है कि अब इन लोगों का भी घर रहा लायक नहीं रहा, जब इनके पूर्वज बच मर गए। सो आई डोंट थिंक कि ये लोग डिजर्व करते कि ये लोग यहाँ पे जीवित रहे, इनकी मृत्यु इनके बादशाह के हाथों लिखी हुई है। तो गाइस आई नो मुझे बहुत दया आ रहा है तुम्हारा मुंह देख के, तुम्हारा चेस्ट है जिधर तुम्हारे लिए खाना है। मैं मरने से पहले तुम लोगों को आखिरी बार खाना खाते हुए देखना चाहता हूँ, तो इधर आ जाओ, आखिरी बार मैं खाना खिला कर मारूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं अच्छा बादशाह हूँ, यू नो। ये लो सभी के लिए खाना फ्री है, ये लो खाओ। और अब मतलब बकड़े को हलाल करने से पहले ऐसे करा जाता है, ऐसा कुछ डायलॉग है, मैं भूल चुका हूँ, आई डोंट नो। सो बाय गाइस, आई विल मिस यू। नहीं, मैं बान से मारूंगा इसको एकदम, ये मेरा बान, अरे कहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी पूरा, अरे लॉल, मेरे बान के एरोज नहीं, एरो नहीं बोलेंगे हम लोग, बान के वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा यार। लॉल पापा, एरो को हिंदी में क्या कहते हैं, तीर याद आ गया गाइस, ओके सॉरी आई एम चीटिंग, याद नहीं आया, पूछा मैंने, तो मेरे पास तीर नहीं है। बाय, अरे किधर, ओए बच्चे तू भी जा, सबको जाना होगा आज सब मरोगे। एक्चुअली गाइस मेरा मेन रीजन ये, मैंने इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा भर दिया है, तो ये थोड़ा मोरा लैग मारता। ओ ये कैसा प्राणी था जो कि मेरे इतने बड़े, इतने ज्यादा एन्चेंटेड स्वॉर्ड के पहले शॉट के बाद नहीं मरा, थोड़ी देर बाद बर्न होने के बाद मरा, ये कौन सा अद्भुत पावरफुल प्राणी है, इसको मारो। अरे ये दोनों तो मर गए, वो पहले वाला अद्भुत था मे बी। ओके चलो इसको कट करने का टाइम आ गया। #RIP for all of you guys, आपकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, क्योंकि आपके बादशाह के हाथों से मारे गए। देयर वी गो गाय माता, आपका भी वक्त आ चुका है, रुक जाओ, आपको भी पहले मैं पकवान खिलाऊंगा मारने से पहले, क्योंकि भाई बुरा लगता है यार, भाई समझ के कह रहा हूँ। अलविदा कहने का वक्त आ चुका है तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम लोगों की वो ओए अच्छा बाहर भी जाओ तो फर्क क्या पड़ता है, तुम लोगों को ऐसे भी मर रही है। ये लो सभी खा लो, सभी जितना मन है आज पेट भर खाओ, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ चुकी है, तुम्हारा काल तुम्हारे सर पे मंडराता हुआ मुझे दिख रहा है। और सबकी पेट पूजा हो गई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अब मेरा पीछा छोड़ो, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया। इधर आओ सारे के सारे, आई नो तुमने मेरा बहुत साथ दिया है आज तक, तुम लोग बार बार मल्टीपल होके मुझे हमेशा खाना देते रहे हो, ये थोड़ा इमोशनल होगा तुम्हें मारना, बकरियों से भी ज्यादा मारना इमोशनल तुम्हें मारना होगा, बट क्या करें, हर एक आदमी जो आता है इस धरती पे उनको जाना ही होता है। अलविदा, बाय, मुझे बुरा लग रहा है, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ, अलविदा, नहीं मैं बादशाह समझ, नहीं मैं अपने आप को बादशाह समझ के बोल रहा हूँ, और तुम लोग भाई समझ के सुनो, नहीं बादशाह समझ के सुनो अबे साले। और यहाँ पे सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है गाइस, एज यू कैन सी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा, ऑल गायो, बाय। अरे मर क्यों नहीं रही, मरो। अरे ये कौन सी देवता वाली शक्ति है इसमें जो कि मेरे स्वॉर्ड का मेरे तलवार का भार झेल गई, सिर्फ तुम, क्या तुम बड़ा होना चाहते हो, कितना क्यूट है, चलो इसको बड़ा करते खिला के खाना, बड़े हो जाओ, अरे मेरे वीट खत्म होने वाले हैं, बड़े हो जाओ, पूरा खा गया ये, बड़ा नहीं हुआ, अगर बड़े हो गए होते तुम शायद मैंने आज तुम्हें
जीवन भक्ष दे दिया होता। नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी बोलते छोड़। सभी जो हमारे साथी थे, जिन्होंने हमारे साथ आज तक दिया था एंडर ड्रैगन से लेकर एंड तक, आज वो सारे साथी हमें छोड़ के चले गए। अगर हमारा एक बहुत ही वफादार साथी है तो वो है हमारा लमुआ, नहीं है ये चमुआ था, सॉरी गाइज मैंने लास्ट वीडियो में इसका नाम गलत ले लिया। हमारा चमुआ जो कि आखिर तक हमारे साथ रहा और हमारा साथ देता रहा। चमुआ तो है तुम अब इतिहास के पन्नों पे, और अब जो हमारे गाय हैं वो सिर्फ इतिहास के पन्नों पे ही रह जाएंगे कि शिवांग का साथ दिया था इन्होंने लास्ट तक, अब असली जिंदगी में ये ना रहा। Okay, so that is it for today, guys. I hope आपको वीडियो पसंद आई। अब मेरे को लगता है कि इस वर्ल्ड में इसको पहले मेरे को सेट करना चाहिए अच्छे से। ये बीकन को मैंने अच्छे से नहीं सेट कर रखा, मेरा अभी तक लेवल 1 ही खुला है, जबकि मैंने इतने सारे आयरन लगाए हुए हैं, मुझे चेक करना होगा। और गाइज इधर ये जो एक्सपी फार्म है, यू नो एक्सपी फार्म को मैं डिलीट करने वाला हूँ, हमें नीचे से तोड़ने वाले हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है नीचे में। इंडिया में फैन ऑफ द वीक रूम के बारे में भूल गया, सो सॉरी। तो हम लोग उसको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि अब इससे तुम लोग देख सकते हो मेरे सोलो सीरीज से एपिसोड्स आ रही है। सो आप बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम। फैन ऑफ द वीक रूम एक ऐसा रूम है, लेट मी शो इट टू यू। ओके गाइस, तो मैं ये बता रहा था कि फैन ऑफ द वीक रूम ये यहाँ पे एक सीक्रेट रूम है, जिसके अंदर आप लोगों के नेम को शाउट आउट मिलता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का नेम है, तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे आपका नाम आए, तो आप लोगों को कुछ भी इंटरेस्टिंग कमेंट करना, आप लोग जितना कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि आप लोग इंटरेस्टिंग करो, ताकि उस पर ज्यादा लाइक्स है वो ऊपर में और मैं आपका नाम देख सकूं। और जिसका हर एक वीडियो पे होता है मैं उनका नाम जरूर डाल देता हूं। तो गाइस जाओ कर दो, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो हमारे चैनल के साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए, क्योंकि हम लोगों के चैनल पे ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आते रहती है। तो गाइस मैं मिलूंगा तुम लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।